और भारतीय इकोनॉमी के लिए न सिर्फ महंगाई के मोर्चे पर अच्छी राहत है बल्कि ग्रोथ के मोर्चे पर भी शुभ संकेत हैं। अब वो क्यों? दरअसल विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को रिवाइज कर दिया है। विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी ग्रोथ को पहले 6.5% रहने का अनुमान जताया था लेकिन अब उसने इसमें बदलाव करते हुए इसे 6.9% कर दिया है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत सरकार 6.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने की ओर है। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान ये लगाया कि जारी वित्त वर्ष से महंगाई 7.1% रहेगी। हालांकि इसके लिए विश्व बैंक ने अमेरिका, यूरो क्षेत्र और चीन के घटनाक्रमों को जिम्मेदार बताया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ रिवाइज करते हुए विश्व बैंक ने उम्मीद जताई है कि दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत पर आर्थिक मंदी का असर कम पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट ध्रुव शर्मा ने कहा कि आज का भारत 10 साल पहले के भारत से कई ज्यादा क्षमतावान है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में जो भी कदम उठाए गए वो आज विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में भारत की मदद